Good evening and welcome to Up Close and Personal with me, PZ. Look, I've got a pretty show. Jahan pe honi masti on the go. Wicked leke secrets sare. I get that it, boy. You get it on the go. You get it on the go. Wicked masti on the go. Today, I'm very, very excited. Itni excited ki main bilkul nahi bolungi. Apne guest ka naam tak nahi bataungi. Aap khud hi guess kar lo. Clues main deti hoon. फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने से पहले ये रामलीला में बंदर का रोल किया करते थे। उनके जैसे सक्सेस बहुत मन्नत से मिलती है। दुनिया के लिए ये किंग है, बादशाह है, पर मेरे लिए ही इज माई 4 AM फ्रेंड एंड ही इज हियर। As always. And after a little bit of love making, I smell even better. Oh, but we'll talk about that later. It's a family show. I got you a little gift, a tag watch. Oh, thank you. First time in your house, so it's really wonderful to be here up close and personal. Can be I serious. Open it? क्या बात है? और अगर मैं तुम्हें पहनाऊंगा तो तुम मेरी राखी बहन बन जाओगे. Okay, नहीं पहनाना मत. Okay. नहीं नहीं चाहिए मुझे. Wow, Shahrukh, it's really pretty. Thank you. I'm so glad you like it. Your house is very nice. Thank I've never you. Seen an apartment like this in Mumbai before. Hai na? Fantastic. Okay, thank you so much. So the best thing about being on a talk show is ki main aapko itne time se janti hu. I never knew ki aap Ram Leela mein ek bandar ka role kiya aapne. Is it true? Haan, main Ram Leela mein apni meri shuruaat hui thi Chhabra sahab ki Ram Leela thi Delhi ke andar aur main Vanar Sena ka hissa tha aur meri lines bhi mujhe yaad hai main to batata hu. बोल सिया पति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय. तो जय पाठ मैं बोलता था एंड तब से लेकर आज तक 20 साल से ज़्यादा हो गए बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई यूज्ड टू एक्ट इन रामलीला. मैं शायरी भी करता था क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग थे तो मैं फिर जो ब्रेक होती थी सीन्स के बीच में तो मैं जाके स्टेज के ऊपर गाना वो करता था, शेर बोला करता था. तो कुछ हमने तुम्हारी यादों में रो रो के टब भर दिए, वाय और नहा कर चल दिए, काइंड ऑफ या टिंग. एंड देन फिर लोग आवाज करते थे अरोड़ा साहब की तरफ से शाहरुख खान के लिए 1 रुपया. सो देन दे शुड गिव मी मनी एंड आई यूज्ड टू गेट लाइक देयर वाज दिस लिटिल किड हु यूज्ड टू डू दिस. या आई स्टार्टेड विद रामलीला एंड आई हैवन चेंज्ड. अभी भी मैं बंदर की तरह ही एक्टिंग करता हूं. अरे बिल्कुल नहीं, यू आर माय सुपर हीरो. थैंक यू. सो फौजी, यू आर द ओनली एक्टर जो कि टीवी से आप आए एंड यू बिकम सच अ सुपरस्टार को भी रीडिफाइन कर दिया आपने. तो जब आप पहली बार वाज इट द फर्स्ट टाइम आपने कैमरा को फेस किया था फौजी में? नहीं, पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था अरुंधति रॉय जो अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाँ जी, और प्रदीप किशन बहुत अच्छे डायरेक्टर थे. उन दोनों ने एक फिल्म अरुंधति रॉय ने लिखी थी इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस. बहुत छोटा सा रोल था मेरा उसके अंदर. बट फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने उन्होंने ऐसा वीडियो कैमरा रखा था, नए नए आए थे वीडियो कैमराज तब, एंड आई हैड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. So when you saw yourself on TV and you know it, जब lighting वाइटिंग ठीक नहीं होती और जब adolescence होती है, गंदी सी मूछें होती हैं, तो कितना आदमी भयंकर लगता है. तो मैं अपने आप को देख के ऐसा डर सा गया था. लेकिन पहली बार उन्होंने कैमरा के सामने प्रैक्टिस कराई थी. फिर फिल्म मैंने वो छोड़ दी थी, उन्होंने मेरा रोल काट दिया था और उस फिल्म में मेरा एक छोटा सा पार्ट है अभी भी. इट वॉज बिफोर फौजी, मच बिफोर फौजी. मैं थिएटर में काम करता था, सारे थिएटर के ग्रुप दिव्या सेठ, ऋतुराज, बैरी जॉन, हम सबको रोल मिला था उसमें. फिर टीवी सीरियल ऐसे ही फौजी वॉज द फर्स्ट. एक्चुअली फौजी इज माई सेकेंड सीरियल. फर्स्ट टाइम मुझे लेक टंडन जी ने एक सीरियल के लिए बुलाया था जिसका नाम था दिल दरिया. तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक प्ले में देखा था, खालिद रजा दुर्रानी का मैंने रोल किया था स्टेज पे. तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर जब मुझे देखा तो कहा यार तू तो बहुत छोटा लगता है. तो तू, मैं तो सोच रहा था कि कोई बड़ा सा प्रा आएगा ते यू नो, तू काफ़ी टफ टू लग रहा था. ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, जब मुझे लोग ऑफ स्क्रीन देखते हैं तो पहली बात यही बोलते हैं कि बड़े छोटे हो तुम. सो आई इवन फ्रॉम देन, सो लेकिन बड़ा छोटा आएगा यार, मैं तो बड़ा सा समझा सी. सो दो दिन उन्होंने से मेरे हाथ के शॉट लिए. हाँ, मैं समझा सी कुछ आया यार तगड़ा तू. आई आल्सो गेट इट समटाइम्स कि अरे आप रियल लाइफ में इतने पतले लगते हो, फिल्म में थोड़ी हरी भरी लगती हो. मैं उनको पता क्या बोलता हूँ कि आप रियल लाइफ में इतनी मोटी लगती हैं.
मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे कोई बोलता ना आप बड़े पतले लगते हो, बड़े मोटे लगते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन कि जब आपने फौजी में फर्स्ट टाइम आपने रोल किया था, तो वॉज दैट द फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगा कि फैंस थे? वॉज दैट द फर्स्ट टाइम आपने ऑटोग्राफ साइन किए? एक्चुअली मैं जब उस सीरियल के लिए चूज हुआ था, तो इसलिए चूज हुआ था कि मैं भागता था। अच्छा, आई रियली रियली या आई रियली लुक अप टू योर फैमिली, यू, कि आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ। मैंने एक्चुअली वो भी ले लिया था, एडमिशन भी लिया था आर्मी स्कूल में, लेकिन फिर उन्होंने कहा बाल काटने पड़ेंगे, तो मैं कुछ भी कर लो, जान ले लो, बाल नहीं काटूंगा यार, स्टाइल स्टाइल नहीं जाएगा। मुझे किसी ने कहा था आर्मर कोर में नहीं बाल काटने पड़ते, बट वो कुछ बाद में आता है, शुरू में वो ऐसा वो छोटा सा आदमी करता। सो इट्स वेरी आयरॉनिक कि जब मैं पहली बार सीरियल के लिए भी गया तो बाल काटने पड़े। और या आई जस्ट स्टार्ट, मेरा उसमें छोटा सा रोल था, मैं छोटे भाई का रोल था, बट आई थिंक उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो वो अभिमन्यु राय फेमस होता गया। और मुझे पहली बार याद है, मैं पंचशील में सड़क पे थ्री व्हीलर में जा रहा था, और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ के अंदर, आई गेस आई वाज लाइक आई वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज, एंड एकदम एक माँ और बेटी थी या दो औरतें थी, एंड मैं थ्री व्हीलर में था, ऐसा थ्री व्हीलर क्रॉस हुआ तो सडन का ओए देख अभी, ओए देखो अभी अभी अभिमन्यु राय, एंड द स्क्रीम। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड एंड फेल्ट, एंड आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिएटर, सो पीपल न्यू मी इन दैट सर्कल ऑफ थिएटर इन कमानी ऑडिटोरियम एंड स्टफ। बट जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं खुद ऐसा कि किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा आगे पीछे देखा, देन रियलाइज दैट टॉकिंग अबाउट मी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई वांट टू डू दिस जॉब बिकॉज इट जस्ट मेक्स सम स्ट्रेंज मैन जो लड़के जा रहा होगा, ओए आई लाइक दैट आई कैन, आई जस्ट लाइक द फैक्ट दैट आईज गेट ट्विंकली एंड पीपल, या खुशी आ जाती है। सो या दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई काइंड ऑफ बिकेम वेरी फेमस, यू नो, एंड माय फ्रेंड वाज देयर, वो भी बड़ा फेमस हुआ था, आई से चैप्स, यू नो, यस यस, इट वाज वेरी कूल। आई मीन देयर हैज नेवर बीन अ सीरीज लाइक फौजी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी ट्राइड टू रीमेक इट but we completely screwed it up. Oh really? Yeah, because I think there can't be another Abhimanyu Rai. So there can't be another Abhimanyu Rai. But yeah. That is a unique quality about you ki even in Kalhona ho when you were so sick, bimar the, phir bhi aapne Karan ko kaha ki nahi main set pe aake shooting karunga. So genuinely there is nothing that makes me happier than acting in front of a camera now or acting anywhere. So main agar 2-4 din kaam nahi karun to mujhe sir dard ho jata hai. मेरी बीवी मुझसे बार बार पूछती है कि यू नो हाउ डू यू डू दिस, यू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड डू द सेम स्टफ, आई मीन हाउ डू यू कीप गोइंग एवरी डे लाइक दिस। और जेन्युइनली मुझको अगर मैं एक्टिंग नहीं करूँ तो मुझे लगता है मैं बीमार हूँ, तो आई जस्ट फील हैप्पीएस्ट इफ आई एम एक्टिंग, आई मीन नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन एक्टिंग, गुड एक्टिंग, बैड एक्टिंग, ऑफुल एक्टिंग, स्ट्रेंज एक्टिंग, फनी एक्टिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट, आई वॉन्ट टू डाई विद फ्लैश बल्ब्स ऑन माई फेस। देयर विल ऑलवेज बी फ्लैश बल्ब्स ऑन यू। Yeah. And you will always have fans like me and all the people around you. So we decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. Love is Blonde. Love is Blonde. अच्छा। तो आप उस फिल्म की first shot और उसका जो look है, first look UTV produce कर रही है, will you do that poster with me? Absolutely, I'll do it. Okay. और मैं ये joke बोलना चाहता हूँ, अगर UTV produce कर रही है और आप उसमें हैं, तो already आप pregnant हैं? I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. Sorry. So, okay. Picture ka naam hai Love is Blonde. Love is Blonde. Love is Blonde. Ek secret love affair. Kiske beech mein? You and me. Oh, of course. Goes without saying. Okay. So, what shot do I have to do? You have to be the hot, sexy secret agent, and I have to be the blonde. So, you know. And so will you say the line? My name is Blonde. Dumb Blonde. Sorry. My name is Blonde. Pretty Blonde. Oh. Preeti Blonde. Okay. Not Dumb Blonde. No. Okay, come on. Okay, should we go for it? So where do we do it? Okay. We have to go there for the photo booth. Okay. Chalo. अगर मैं सांता क्लॉज होता तो मैं पहले तो वेट लूज करता थोड़ा सा और सारे जो बच्चों के खिलौने लेकर मैं ही भाग जाता।
I love toys. So my clone. I know you love toys. I would be a pathetic Santa Claus. मेरी रिसर्च में एक स्टोरी है कि आप लड़ गए किसी के साथ और आपने पत्थर लिया और ठा करके मारा अपने नेबर को. Is that true? नहीं, मैंने पत्थर मारा नहीं था. पत्थर मैं हाथ से ही मारता था. मैं बहुत लड़ता था. मैं दिल्ली वाला हूँ. मैं जब मुंबई आया हूँ तो यहाँ पे जब मैं गुंडागर्दी देखता हूँ तो मुझे शोधे लगते हैं. दिल्ली में क्या दग लगते? शोधे बोलते हैं. शोधे मतलब? अबे साड़े ऐसे लोगों को तो पकड़ के ऐसे ही घोड़ के निकाल दूं. मैं साइड में जेब में रख के बोझे में रख के घूमता हूँ. मतलब दिल्ली में तो हम ऐसे दिल्ली की गुंडागर्दी दिल्ली. सो आई गेट वेरी अमेज्ड यू नो कि यहाँ के लोग आके यू नो ऐसे चलते हैं ऑल. मतलब सचमुच बोझा मींस जेब. ऐसे जेब में रख के घूमते थे. दिल्ली की टर्मिनोलॉजी. हाँ, मैं वी आर डिफरेंट पीपल. एंड मैं हॉकी खेलता था तो हर रोज जेल जाते थे झगड़े होके. तो जब यहाँ पे मैं झगड़े सुनता हूँ और लोग दादागिरी दिखाते हैं तो मुझे हंसी आती है. उनको गाली भी देनी नहीं आती. मतलब इट्स डन विद एन एक्सेंट. टोन डाउन. तेरी बहन की. अबे चल ना बहन की बोल. आई वुडन्ट से द रेस्ट ऑफ इंडिया. बट आई वाज हम उसको मारा नहीं था. मैं ऐसा हम कैच खेल रहे थे. एंड वन ऑफ द टाइम्स आई थिंक आई हिट इट हार्ड. एंड तारा नाम था उस लड़के का. मुझे याद भी तारा चंद. एंड उसके दांत पे लगा और वो दांत टूट गया. एंड मुझे याद है उसके जो डैडी थे बहुत गुस्सा हो गए. और मैं अपने घर में बैठा था डर के कि यार उसका बहुत खून निकला उसको. और सडनली नॉक हुआ. माई फादर वेंट. एंड इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. और मेरे डैड अंदर आए और उन्होंने कहा कोई आपको बुला रहा है बाहर. तो मैं बाहर चला गया और वहाँ पे हाँ मुझे बोला. तो मैं कौन कोई तुमसे मिलने आया है. मैं बाहर गया. उन्होंने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया और सामने मेरे तारा चंद के डैडी ड्रंक बहुत गुस्से में चाकू था उसके हाथ में. तो मैं ऐसा खड़ा हो गया. एंड आई रिमेंबर माई मॉम स्क्रीमिंग कि क्या कर रहे हो तुम. शाहरुख को बाहर क्यों भेज दिया एंड ऑल. सो माई डैड वॉज लाइक नहीं नहीं रुको. ही हैज़ टू हैंडल दिस इफ ही इज नॉट रियली हिट हिम. अगर उसने असली में नहीं मारा है तो वो समझा देगा. अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये समझा वजह बाद में दूंगा. बिकॉज ये अंकल जो थे बहुत पागल से हो गए. अंकल मैं जान के नहीं मारा. मैं सच कह रहा हूँ. उसको गलती से लग गया. एंड ही गॉट कन्विंस्ड एंड ही वेंट अवे. एंड माई डैड कॉल्ड मी इन एंड ही सेड मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि अगर तुमने गलती की है तुम्हें फेस करना पड़ेगा. और अगर गलती नहीं की है तो आदमी समझ जाएगा. और जिंदगी मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा चाकू वाले के पास जाए. बट आई वॉज वेरी कन्विंस्ड दैट तुम उसे कन्विंस कर लोगे क्योंकि यू आर सेइंग द राइट थिंग. Of course, my mom, I think, hated my dad for that day. कि मेरे बेटे को अगर कुछ हो जाता. But yeah, that was the thing when I broke. Otherwise, I've broken a lot of teeth. और मैं उस लड़के को हाँ मैंने मेरे एक दोस्त थे छवि जी उसको मैं देख मारा था साड़ के मुंह पे घुसंड. But yeah, I used to get in a lot of fights. I was a hockey player. Were you a possessive brother? क्योंकि दिल्ली में मैं भी दिल्ली में काफी रही हूँ और मुझे सब कह रहे थे कि your sister Lala. Yeah. Hot girl दिल्ली में. तो अभी hot sister होगी तो लड़ाइयाँ होती थी. हाँ मैं तो हर लड़की को अपनी बहन ही मानता था. किसी लड़की को तुम छेड़ दो मैं तो लड़ पड़ जाता. दादागिरी थी हमारी तो ऐसे घूमते घूमते भाई क्या घूर रहा है इधर. कोई भी लड़की को तेरी बहन लगती है मेरी बहन लगती है तेरी माँ की. तो ऐसा हम लड़ते थे. मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई. उनकी एक चीज़ जो थी ये थी कि देखो अपने से बड़े से जब लड़ो तो उसकी आंखों में घूर के देखो. उसको तुम्हारी आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए. फिर जल्दी से झुको पत्थर उठाओ उसके सिर पर मारो और भाग जाओ. सो अपने से बड़ा हो लेकिन मारना जरूर अगर तुम्हारी बहन को छेड़ा हो. तो एक दो बारी मैंने एक दो को ऐसा ईंट उठा के ईंट बोलते हैं उसको ब्रिक को ईंट उठा के सिर पे दे मारी मैंने और फिर भाग चुका. मैंने बहुत बदमाशियां की हैं और बहुत लोगों के सिर पे. तो आपके फादर का एक बहुत मैच्योर अप्रोच था. इज द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ दिस कंट्री. ओह रियली? हां वेरी एजुकेटेड एंड वेरी जेंटल. इट्स वेरी स्ट्रेंज. पठान 6'1" ग्रे आईज ब्राउन हेयर वेरी हैंडसम ग्रेगरी पेक पीटर ओटूल काइंड ऑफ लुक्स बट वेरी जेंटल एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन. But it was, you know, he used to speak Hindko, Punjabi ki tarah hoti Hindko, Peshawari the. To wo aisa bolte the ki yaar, yara, dekh yaar, kisi se ladna nahi, jhagadna nahi, magar ladai ho jaye, to phir maar nahi khana. Maar moor ke hi aaya na, tu yaar aaram se darna nahi, pathaan hai. So, I had some great learnings from my father and mother, yeah. I think everybody has a lovely set of parents. But mujhko lagta hai, mere wale bahut achhe the. I agree with you. तो आपको ऐसे लगता है कि that your learnings are even more special because your parents are not there? My father died जब मैं 15 साल का था. Mother when I was 25. So, काफी young age में चले गए. मतलब I'm actually the age when my mother died. You know I'm 45. My mother died at the age of I think 42 or something. So जल्दी चले गए तो कम समय बिताया और कम बातें सुनी तो इसलिए retain ज़्यादा की. And most of the times I realize now उनकी क्षति महसूस होती है कमी महसूस होती है क्योंकि उन्होंने मेरा अच्छा वक्त ही नहीं देखा. उनका बहुत दिल था
कि मैं हीरो बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ. एंड आई थिंक आई एम सो सक्सेसफुल. एंड द ओनली थिंग आई ओनली मिस माई पेरेंट्स व्हेन आई एम हैप्पी. आई डोंट मिस देम व्हेन आई एम सैड. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं खुशी बांट सकता हूँ उनके साथ. और आई मिस देम अलॉट व्हेन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, बिकॉज मैं उनको बातें बोलता हूँ जो मेरी माँ ने या बाप ने सिखाई. और मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप बोलते बेहतर थे मुझसे, ज़्यादा अच्छी उर्दू में बोलते थे, हैदराबादी में बोलते थे, जेंटल थे. सो दे वुड हैव टॉट इट बेटर टू देम. बट यस, एवरीथिंग आई डू नाउ, आई बिकम अ लिटिल मेलो नाउ. बट मैं जो भी करता हूँ हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप को उससे बुरा ना लगे, और अगर वो होते तो क्या कहते. और उनकी हर बात याद है मुझे, क्योंकि कम बातें बोली थी, 15 साल तक ही बोली थी. सो सब रिटेन्ड. एंड आई ऑल्सो थिंक कि जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है देन गॉड इज ऑन योर टीम. बिकॉज़ यू तो होंगे, वो तो दोनों बैठे हुए होंगे ना वहाँ पे, लाइक योर डैड इज सिटिंग देयर. आई नो ये बिल्कुल नहीं, अभी ये ठीक करो उसके लिए. तो आई एंड माय मॉम वाज वेरी वेरी यू नो आउटगोइंग टफ वुमन. शी वाज अ टफ लेडी. माय डैड वाज एज जेंटल एंड शी वाज रियली टफ. छोटी सी थी लेकिन बहुत ऐसा पटाखे की तरह थी, एटम बम की तरह. महमूद साहब वो हमारे बहुत क्लोज थे, बैंगलोर में रहते थे तो हम उनके नेबर्स थे. तो उनके लड़के थे महकी, उन्होंने के पास पहली बार वीडियो कैमरा आया, उन्होंने मुझे शूट किया और मेरा दिल तोड़ दिया. मैं थिएटर करता था तो मेरी फ़ोटो उन्होंने ली और फिर मेरी मम्मी को कहा कि बहुत अच्छा एक्टिंग करता है ये और नाचता भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है इसका, लेकिन दिखता बहुत ख़राब है, तो ये कभी हिंदी फिल्मों में हीरो नहीं बनेगा. तो माई मदर हु थॉट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, शी वॉज हार्ट ब्रोकन. और वो हैदराबादी थी, उन्होंने कहा अरे मिट्टी पड़ो उस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे. एंड देन अनफॉर्चुनेटली माई मॉम एंड डैड बोथ आर नॉट लाइव टू सी मी बिकम अ फिल्म एक्टर. तो मुझे ये मालूम है कि बेचारे भगवान के घर में, खुदा के घर में बहुत परेशानी होती होगी उनको. ये ना करता हूँ मैं इसकी पिक्चर फ्लॉप कर, बिल्कुल नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी पिक्चर हिट होगी, मेरा लड़का है, सुपर हिट होगी, सुपर डुपर हिट होगी. और वो डैड भी बोल दोगे नहीं तो आपको मालूम है वो फिर ब्रेक वाला चक्कर करना पड़ेगा मुझे. सो आई थिंक माई पेरेंट्स मेक सम ऑफ माई ऑफुल फिल्म्स ऑल्सो हिट्स. माई पेरेंट्स हैव गिवन मी टू ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, अ लवली वाइफ, अ फैंटास्टिक सिस्टर, ग्रेट फ्रेंड्स लाइक यू. एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आई थिंक माई पेरेंट्स हैव मेड श्योर कि मैं जिंदगी में जहाँ जाऊँ, जिधर भी जाऊँ, लोग खुश होते हैं मुझको मिलकर और मुझे बहुत खुशी मिलती है. मतलब आई थोड़ा सा पॉम्पस लगता है, बट आई टेल एवरीवन आई एम द ग्रेट इंडियन ड्रीम. इट्स ट्रू. या एंड आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. आई डोंट हैव द टैलेंट, आई डोंट थिंक आई हैव द लुक्स, आई डोंट इवन हैव दैट मच अबाउट हार्ड वर्क. बट आई थिंक आई डोंट वरी, डोंट फिश कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आप फिश कर रहे हो. सो ओके, आई थिंक मेरी मम्मी कन्विंस करती है लड़कियों को कि ये बड़ा हॉट है मेरा लड़का, इसके ऊपर इसके साथ बैठ जाओ. सॉरी. यस ओके, नाउ आई हैव अ फ्यू लाइंस जिनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं सांता क्लॉज होता तो मैं पहले तो वेट लूज करता थोड़ा सा और सारे जो बच्चों के खिलौने लेकर मैं ही भाग जाता. आई लव टॉयज, सो माय खिलौने. आई नो यू लव टॉयज. आई एम पैथेटिक सांता क्लॉज. ओके, एक टैलेंट काश मेरे पास होता. गाना, गिटार. गिटार. लड़कियां. ओके, आई एम ग्रीडी फॉर नॉलेज. फ्रेंड्स फॉर मी आर. फ्रेंड्स फॉर मी आर आर्यन एंड सुहाना नाम है. ओके, मैं जानती हूँ आप खुदा से खुद कुछ नहीं मांगेंगे, बट इफ गॉड इंसिस्ट व्हाट वुड यू आस्क फॉर योरसेल्फ? मैं आई वुड टेल हिम कि मुझको ये कैपेसिटी दो कि मैं बहुत दिनों तक लोगों को खुश कर सकूं. मेरा सीक्रेट एम्बिशन, आई वुड लाइक टू डायरेक्ट नाउ. आई वुड लाइक टू डायरेक्ट अ फिल्म आफ्टर 4-5 years एंड मेक द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन हाउस दिस कंट्री हैज एवर सीन. मेरा सबसे बड़ा फेलियर था, फिर भी दिल हिंदुस्तानी था, मेरे लिए, अजीज के लिए और जूही के लिए. Really? मतलब मैं जिंदगी में कभी भी टेबल पर बैठकर फिल्म ना चलने के लिए रोया नहीं. हम तीनों रोए थे, हम ऐसे बस बैठ के रोते रहते थे कि क्या हो गया, नहीं चली थी फिल्म भी, बिल्कुल नहीं चली थी यार. एक बात जो मुझे मेरे बारे में बिल्कुल नापसंद, सिगरेट पीना. I don't like smoking so much. ऐसा सब ये stain आ जाता है, lips काले हो जाते हैं. But now you cut down on smoking. अब इतना कहाँ से? हाँ, मगर अच्छा नहीं लगता मुझे cigarette पीना. Okay. एक phrase जो मैं अक्सर use करता हूँ. इन्शाल्लाह. मुझको औरतें बहुत पसंद हैं. मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते. मुझे उनके बाल अच्छे नहीं लगते, उनकी खाल अच्छी नहीं लगती, पसीना आता है. मुझे लड़कों के बारे में कुछ पसंद है. बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत ही ज्यादा बड़ा, और बहुत डीप इंसान हो आप. मैंने ऑलवेज सोचा था पहले, यू नो व्हेन आई मेट यू, शाहरुख इज़ फन, शाहरुख इज़ वेरी ड्रीमी आइड, शाहरुख के साथ सीन करो तो वो आपको ऐसे देखता है तो रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद रोना आ जाता है, प्यार आता है. पर एक
वाइज ओल्ड मैन का सोल है आप में. वेयर इज दैट कम फ्रॉम? लाइक यू रियली, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, आई स्वेयर, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए और आई एम इंटरव्यूइंग यू यार, ये शो हो रहा है, बट जेन्युइनली यू नो मी लॉन्ग इनफ, आई एम वेरी चाइल्ड लाइक. आई एम वेरी चाइल्ड लाइक. आई हैव अ सोल ऑफ अ चाइल्ड. मैं, मुझ में जो बचपना है, अब क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मैंने दुनिया देखी है, तो मैं उस बचपने को वर्बलाइज करता हूँ. एक्चुअली इट इज़ द नाइसेस्ट टू रिमेन अ चाइल्ड. आप अगर बच्चे के साथ खेल रहे होगे तो वो झगड़ कर खेलेगा, वो जीतना चाहेगा. अगर आप बच्चों का दिल बहुत बड़ा होता है एंड एट द सेम टाइम दे वेरी ईविल, यू नो दैट्स व्हाई कार्टून्स आर वेरी अग्रेसिव. सो चाइल्ड इज वेरी ईविल, वेरी ईविल, दे वेरी ऑनेस्ट. उफ, यू आर लुकिंग सो फैट पापा. अबे यार कुछ तो शर्म कर. नो, आई हेट यू व्हेन यू वेयर अ शर्ट. किड्स आर वेरी ऑनेस्ट. यस, एंड आई एम लाइक दैट. मगर मुझको बोला गया कि ज्यादा ऑनेस्ट मत रहो, ज्यादा बोलोगे तो आई गेट इन टू ट्रबल. तो मैं अभी चुप रहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता हूँ. एंड मेरे को एक बार, मेरे दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि यार बेटा क्या है, तू अपनी पिक्चर ला रहा है, तू मेरी पिक्चर को लूट लेगा, तू बर्बाद कर देगा, तू रिलीज. मैं कहा सर आपको क्या चाहिए, तो इस तू यार सेम टाइम पे अपनी पिक्चर, मतलब मैं कहा चेंज इट, यू टेल मी व्हाई यू गेटिंग सो डिस्टर्ब, यू वांट मी टू चेंज इट, आई विल चेंज इट. सो आई चेंज इट. इसे नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है तू मुझको भी थोड़ा सा झगड़ा हो गया ना अपना, तो तू जो हेट कर रहा है. तो ऐसे सर मैं आपके बारे में, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, मतलब मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, सोचता ही नहीं हूँ सर. 99.9999% पीपल इन माई लाइफ एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं. तो अगर किसी के बारे में सोचो ही नहीं, ना बुरा ना अच्छा, तो ज़िंदगी बहुत आराम से चलती. अपना काम स्वयं करो, अपने बारे में सोचो, अपनी खुदाई में रहो, अपने इस, आई कॉल इट सेल्फलेसली सेल्फिश, कि मैं बिल्कुल सेल्फलेस हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू गुड टू यू एंड आई डोंट विश बैड ऑन यू एंड आई एम वेरी सेल्फिश बिकॉज आई डोंट थिंक ऑफ यू एंड आई रिमेन क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट वाइज. हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ओके, सो नाउ कमिंग टू लव. शाहरुख तो रोमांटिक, आई डोंट थिंक कि कोई हमारे जेनरेशन में, हमसे पहले जेनरेशन में या बाद में, रोमांस कोई आपकी तरह कर सकता है. रियली आई मीन, बाजीगर में जब मैंने आपको देखा था तो थोड़ी डर गई थी मैं, क्योंकि यू वर स्केरी, फिर भी अच्छा लगा. यू वर लाइक, यू वर लाइक, लेकिन जब वो रोमांस आप करते हो, सो शाहरुख द रोमांटिक. मुझको औरतें बहुत पसंद है, मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. सो अच्छा, मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते, मुझे उनके बाल अच्छे नहीं लगते, उनकी खाल अच्छी नहीं लगती, पसीना आता है, माचो बातें कर, मुझे हाल, मुझे लड़कों के बारे में कुछ पसंद नहीं. आई वॉन्ट माई लाइफ कि मैं ज़िंदगी भर सिर्फ औरतों से सराउंडेड रहूँ. आई थिंक दे आर कॉन्सियनशियस, दे आर जेंटल, दे आर सॉफ्ट, दे आर प्रिटी, दे स्मेल गुड, दे साउंड गुड, दे फील गुड, दे आर लवली. मतलब आई थिंक फ्रॉम अ मदर टू अ डॉटर देर इज नथिंग. आई हैव सीन बोथ एस्पेक्ट्स, कि माँ से लेकर बेटी तक, बीच में कितने बेटे आ जाएं, बाप आ जाएं, अंकल आ जाएं, भाई आ जाएं, नॉट इंटरेस्टेड, कोई कंपैरिजन नहीं है औरतों का. मुझे बहुत 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 मेरे दिल को भाती हैं औरतें, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाता हूँ. लेकिन मेरा प्यार ये नहीं है कि मुझे फिजिकैलिटी में उसको बदलना है, उसको किसी रिश्ते में बदलना है. आप जैसी हैं वैसी रहें, मैं आपको प्यार करता हूँ और मैं आपको कह भी दूंगा और मैं कहता भी हूँ. आई रिमेम्बर हमारे टूर में भी जब भी आप किसी लेडी को बुलाते थे फॉर एन इंटरेक्शन, I used to always wonder ki why Shahrukh calls the most unattractive woman. I find them very beautiful. I find women beautiful. Matlab so I can't explain this to you. Why should he ladki ko bulayenge aur gana karenge, then used to call one auntie and used to give her so much love. Itte pyar, wo bichari auntie to pagal ho jati thi. I think jab wo ghar jaati thi to main bhi pagal ho jata tha. Mujhe bahut acha lagta hai. Actually I can't explain this to anyone. My family understands and my friends understand, but I am extremely, absolutely, wholly and solely in love with women. मेरी लाइफ का ड्रीम है जो पूरा नहीं होगा. मैंने बीच में ट्राई किया था, मैं डॉन वन की जब शूटिंग कर रहा था, पार्ट वन की मलेशिया में, मैंने बहुत कोशिश की. मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ और मुझको 25 गाने आने चाहिए, 20 भी चलेंगे, मुझे आने चाहिए. एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग, 20 सॉन्ग्स आई वॉन्ट टू लर्न. वहाँ बैठे गिटार में, नहीं मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ जिंदगी का एक, मुझे जीप चाहिए जो ओपन होती, पुराने जमाने में शमी साहब, राजेश खन्ना, जो चला वो वाली जीप चाहिए मुझे. मैं उस जीप में बैठूँ, मुझे ना खाना चाहिए, एक पेयर ऑफ जीन्स चाहिए, एक अच्छे स्नीकर्स चाहिए, एक टी शर्ट चाहिए और कलोन, बिकॉज यू नीड टू स्मेल गुड. गिटार चाहिए. मेरी जिंदगी का ये मकसद है कि अल्फाबेटिकली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आई गो टू एवरी वुमन, मम्मी, आंटी, सिस्टर,
little baby, big baby, fat baby, thin baby, dark baby, white baby, right baby, wrong baby. I just want to go, sit down and sing, hey little girl, is your daddy home? With all my love, pack my guitar, give her a hug, sit in my jeep, go to the next alphabetical room. ये मेरी लाइफ का ड्रीम है. Wow. मुझे गिटार बजाना नहीं आता वरना मैं अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दूं. आई दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू डू. देयर आर टू थिंग्स आई वांट टू डू इन लाइफ. वन इज टू डू दिस. मैं यही करूं बस. मेरा कुछ हो जाए, FD पड़ा हो तो मुझे महीने का कुछ खर्चा मिल जाए पेट्रोल वेट्रोल डालने का, या फिर मैं बैटरी ऑपरेटेड ले लूं. और दूसरा ड्रीम ये है कि आई मेक सैनिटेशन फॉर एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, ऑन द स्ट्रीट्स, इन द विलेजेस, सो दैट अ वुमन नेवर हैज टू have dearth of a public utility anywhere in the world. If she wants to bathe, if she wants to go and freshen up, whatever she wants to do, uske liye ek toilet hona chahiye sirf auraton ke liye. Ye meri zindagi ke do sabse bade dream hain. Guitar wala pura nahi hoga, the sanitation wala inshallah main koshish karunga. Ya fir main sanitation karke aise toilets bana ke shayad guitar ke sath baat karunga aur gana gaun chahunga. So is that the reason ki aapne jab pehli baar ek word bola, you said chanda? चंपा दीदी. तो who was चंपा? चंपा हमारे घर के सामने एक दीदी थी. सब दीदी बोलते थे, मैं चंपा बोला था. मैंने माँ नहीं बोला, मैंने चंपा बोला था पहले. She's come there, she had a very pretty face and I would like to see her now. I was just going to say कि आप you know चंपा दीदी, चंपा मनश्रामानी, and she's very pretty and sweet. And yeah, she was the first. सबसे पहला word जो बोला. First outside lady that I got introduced to. I mean of course मैं पैदा ही हुआ था, मैं छोटा सा था, वो बहुत बड़ी थी. तो फिर बड़े होते थे वो चंपा दीदी हो गई. बट हाँ, द फर्स्ट वर्ड आई सेड वाज चंपा. दैट्स व्हाट माय मदर टेल्स मी. चंपा. हे हे मैं जब आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं. मेरे पति बिल्कुल घर पे नहीं है. कम ऑन. ओके okay, now we're coming to the most interesting part of the show. You know, we do a whole play act section. Make instant situation dete. Try ye karte always ki wo funny ho ya ekdam hi out of character ho jo ki kabhi aapke sath associate nahi kar sakte. So I am going to give you a situation and I'm going to really enjoy it. No, please don't be nervous. Okay, so the situation is that I am a super rich woman. You are? जिसकी जिसको लाइफ में कोई काम नहीं है पर वो फिल्म बनाना चाहती है. हाँ, बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहती है. ऐसी लड़कियाँ मुझे क्यों नहीं मिलती? तो और आप हो एक न्यू कमर. ओके. जो कि किसी भी हालत में ये फिल्म करना चाहते हो क्योंकि because I'm such a rich famous lady. Rich and are you beautiful also? हाँ, of course. So I like to do a little more than the film. तो ठीक है, that we will talk about show. Okay. तो आप किसी भी हालत में this is your life's wish to be in this movie. Done. ठीक है. So अभी situation ये है कि आप आके यहाँ बैठे हैं and I'm telling about the movie. Okay. बैठूँ? Yeah, please. Hi. Hello, madam. तो आई रियली वॉन्ट कि आप इस फिल्म में काम करें. मैं करूंगा जी, जो काम देंगी आप करूंगा जी. मैं झाड़ू मारूंगा, पोछा मारूंगा, गाना गाऊंगा, डांजो. हाँ जी. अच्छा, मैं एक डायलॉग है और जो डायलॉग है वो है कि अच्छा मैं नहीं बोलती बिकॉज आई वॉन्ट इट टू कम फ्रॉम यू. हाँ जी. तो कोई बड़ा रोमांटिक डायलॉग कोई सोच सकते हैं? हाँ, मैं सोच सकता हूँ जी, क्योंकि मैं... इस फिल्म में सब कुछ है. ओके. इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है, इसमें हार्ट ब्रेक है, और जब आप ये फिल्म करेंगे ना आप सुपर 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 स्टार बन जाएंगे. बस आप धन्य हैं जी, आप मेरे सामने बैठ गए और आपने ये बोल दिया मेरे को. और मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं अपनी जान लगा दूंगा जी इसके अंदर. अच्छा, तो अच्छा जान मान तो छोड़ दीजिए, आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ यू कैन एक्ट. हाँ, कर सकता हूँ ना जी. मैं बोलता हूँ, देखो कोई फेमस. मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. तुम पास नहीं होती. अच्छा, मैं आपको छू सकता हूँ? ऐसे ऐसे करके क्यों कर रहे हो अभी? मुझे ऐसा लग रहा है मैं लड़की की टांग पकड़ी हुई थी, वो जा रही थी. सॉरी, मैंने अच्छा. छोड़ दिया. अगर लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ दूंगा जी. हाँ. आपके हाथ, आपका हाथ पकड़ के करूँ मैं? हाँ जी. मैं जी सॉरी, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. आंखें बंद ही नहीं की. सॉरी, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. अच्छा, थोड़े प्यार से करो ना. ओके. मैं सॉरी. ज्यादा प्यार हो गया?
मैं आंखें खोलता हूं तो खुलती नहीं है बिल्कुल, आपको देख नहीं सकता हूं मैं तो। और शर्मा थोड़ा। तो मेरे पास होती हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या हो जाता है, बट प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, बट कुछ कुछ होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है। ओके, अच्छा। लेकिन फैमिली शो इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप जैसे कि बहुत बहुत गुस्सा में हो पर दिखाना नहीं चाहते। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। क्या बात है। अच्छा, अब आप एक थोड़ा रोमांटिकली, जैसे 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 शाहरुख खान, जैसे रोमांटिक हीरो। शाहरुख खान क्या करेगा, लू का पट्टा है वो तो। मैं अब वो करके दिखाता हूं, उसका टाइम खत्म हो गया जी, जब मैं करूंगा ये देखो। हे मैं जब आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता। मेरे पति बिल्कुल घर पे नहीं है, कौन? ओके, कभी दूसरा स्क्रीन टेस्ट करते हैं, कभी दूसरा स्क्रीन टेस्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई कीप आस्किंग पीपल यार, हाउ डू यू टॉक टू वन, क्या बोलते हैं उसको कि ए बेबी, मतलब मैं क्या बात करते हैं। तो मुझे नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं आता। फिल्मों में मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सब जो मैं गिटार विटार की बातें कर रहा हूँ पता नहीं हो सकेगा नहीं। एक पहली ने जैसे थप्पड़ मारा तो मैं तो ये पूरा आइडिया ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद। आई एम वेरी शाई ऑफ यू। मेरे पास एक और गाना था तो जो हम पंजाबी में था, तो वी वर डिसाइडिंग बाद में करेंगे, तो हमने उसको सुनाया, उसने कहा कि ये कौन गा रहा है, तो इसे तुम नहीं गा रहे हो, कोई और गाएगा, इसे मैं गाऊँ। मैं कहा नहीं, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, तो इसे मैं गा सकता हूँ। क्या आप भी लाइफ से थक चुके हैं, घंटों तक चलने वाली मीटिंग से पक चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे बार बार यही पूछती है कि क्या वो प्रीति जिंटा से ज्यादा प्रीटी है? Good evening and welcome to Up Close and Personal with me, PZ. Look, I've got a pretty show jahan pe honi masti on the go. Wicked leke secret sare. I get that echo, you get it on the go, you get it on the go. फिल्मों के सीक्वल्स के बारे में हमने सुना है, कभी शो के सीक्वल के बारे में सुना है? नहीं सुना है ना? Well, अब सुनिए। हमारा शाहरुख वाला एपिसोड इतना पॉपुलर हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक सीक्वल बनाया जाए। आई नेवर न्यू कि आप रामलीला में एक बंदर का रोल किया आपने, इज इट ट्रू? हाँ, मैं रामलीला में वानर सेना का हिस्सा था, मैं शायरी भी करता था क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग थे, तो मैं फिर जो ब्रेक होती थी सीन्स के बीच में, तो मैं जाके स्टेज के ऊपर गाना वो करता था, शेर बोला करता था। तो कुछ हमने तुम्हारी यादों में रो रो के टब भर दिए, वाए और नहा कर चल दिए, काइंड ऑफ शेर्स या टिंग, एंड देन फिर लोग आवाज करते थे अरोड़ा साहब की तरफ से शाहरुख खान के लिए एक रुपया। तो जब यहाँ पे मैं झगड़े सुनता हूँ और लोग दादागिरी दिखाते हैं तो मुझे हंसी आती है, उनको गाली भी देनी नहीं आती, मतलब तेरी बहन की, अबे चल ना, बहन की बोल। हे मैं जब आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता। मेरे पति बिल्कुल घर पे नहीं है, कौन? ओके, कभी दूसरा स्क्रीन टेस्ट? यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? आई डोंट नो कि मुझे फिल्मों में काम करना था या नहीं, बट मुझे ये जरूर याद है कि माय फादर ही यूज्ड टू टेल मी कि मैं उनके एक भाई हैं जिनका नाम था ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी और वो बड़े आर्टिस्टिक थे, तो जब मैं बड़ा हो रहा था, बड़ा मतलब 5-7 साल का था, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं ब्रह्मचारी जैसा हूँ, उनके भाई जैसा। और रेडियोग्राम हुआ करता था उस ज़माने में, टीवी नहीं था, हम बहुत गरीब थे, गुरबत ज़्यादा थे, तो एक रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो लगाकर मैं
चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, लेट शमी साहब का गाना जो था उस पे नाचता था, मैं मुमताज़ की एक्टिंग किया करता था, मैंने रामलीला में बंदर का काम किया है, तो कहीं ना कहीं मुमताज़ जी की एक्टिंग करते करते, शमी साहब के गाने गाते गाते, बंदर की एक्टिंग करते करते, शायद कहीं ऐसा किसी को तो लगा होगा कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करूं, लेकिन फिल्मों का मेरा कभी झुकाव नहीं था। समवे मे बी आई वांटेड टू एंटरटेन एंड बी अ परफॉर्मर मोर देन एन एक्टर। एक्टर तो अभी भी क्रिटिक्स कहते हैं मैं नहीं हूँ, तो आई डोंट नो इफ आई एम स्टिल एन एक्टर, बट आई लाइक टू मेक पीपल हैप्पी व्हेन आई गो इन देयर प्रेजेंस। नॉट टू गो टू मच इन द पास्ट, लेकिन वन हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर चाइल्डहुड, आपको कुछ ऐसी बात याद है कि आप बहुत खुश थे एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट? यू नो, अभी मेरे को जो भी मोमेंट याद है मैं उसको हैप्पी ही समझता हूँ, मगर मेरे को कोई ऐसी स्पेसिफिक मालूम नहीं है, बट आई डू रिमेंबर टेलीविजन हमने खरीदा था, और इसलिए मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनका काम करता हूँ, द रीज़न आई वर्क फॉर वीडियोकॉन इज़ कि वीडियोकॉन का टीवी था, और इसलिए मेरे वो दोस्त बने। मैंने उनको जाके बोला था मैं उनका एम्बेसडर बनना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने लास्ट में एक वीडियोकॉन का टीवी मुझे दिया था। आई एम सॉरी इफ सम अदर टेलीविजन इज नो प्लीज, ऑल टेलीविजन आर गुड, बट दैट वन इज लिटिल इट्स पर्सनल, एंड आई रिमेंबर कि एक चीज़ लगानी पड़ती थी तो उससे कलर हो जाता था टीवी, एक ना अडेप्टर लगा के, VCR आ गया था नया, तो मेरी माँ ने और मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा है, प्लाटिनी वाला, मिशेल प्लाटिनी एंड रॉसी, पॉलो रॉसी एंड ऑल द प्लेयर्स, यू जीको, यू वुड नो ऑफ देम, बट आई रिमेंबर द ग्रेटेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ माय चाइल्डहुड इज माय मदर, जिनको स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन टीवी पे वही रात को आता था, तो मैं उनके पैर दबाता था, लाइक आई यू नो आई गिव ग्रेट मसाज, एंड मैं पैर दबाता था उनके बैठ के, और हम रात भर वो देखते थे वर्ल्ड कप and Rummenigge, and it was one of the greatest moments of my life because I love football and sports, and my mother who didn't know sports, unko TV acha lagta tha, to hum baith ke sab, aur wo color TV, aise color nahi hota tha, wo aise screen lagti thi, aise rang bang aate the usme se tedhe mede, aisa color TV nahi hota tha, yeah, but that genuinely is the happiest memory of my life, I think. That's very sweet. Okay, moving on to getting little older, school mein aap topper the har cheez mein, you were competitive, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे स्कूल हो, हर चीज में यू वर कंपेटिटिव? आई एम नॉट ओवरटली कंपेटिटिव, मैं कुछ ऐसा आंग पे आके कंपेटिटिव नहीं हूँ, मुझे हारना अच्छा नहीं लगता, मेरा बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी, तो हार कंपेटिटिव है ना? नहीं, मुझे जीतने से ज़्यादा हार बुरी लगती, मतलब मैं आई हेट लूजिंग, आई डोंट लाइक टू लूज, तो स्कूल में मैं हिंदी में बहुत वीक था, बहुत बुरी हिंदी में वीक थे? मैं बहुत वीक था हिंदी, दिल्ली में रहने के बाद हाँ, मैं बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत बुरा करता था, तो मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला कि अगर तुम हिंदी में 10/10 लेके आओगे तो मैं तुम्हें फिल्म दिखाऊंगी थिएटर में ले जाके, तो थिएटर में फिल्म देखना बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त, तो मैंने 10/10 लाया हिंदी के अंदर, एंड पहली फिल्म देखी थी देव साहब की जोशीला, विवेक सिनेमा हॉल के अंदर, फिर मैथ्स में मैं एंड तक वीक रहा, समटाइम्स आई हैव गॉट लाइक 5/100, मैथमेटिक्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई एम अ लवर सो कैलकुलेशन नहीं होती मुझसे, सो या आई लाइक टू डू वेल, अगर मैं कुछ चीज़ करूं अच्छी करूं, नहीं तो ना करूं, इट्स एज सिंपल एज दैट, सो द कंपटीशन इज नॉट कि मैं इसको हरा दूंगा, इससे तेज भागूंगा, लेकिन या अगर मुझे कोई किसी चीज़ में हराता है तो देन आई जान निकल जाती है, हाँ, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं बड़ा स्पोर्टिंग रहता हूँ कि रियली यू प्लेड वेल, वेरी गुड, अप इट एनी मोर, ओह माय गॉड, दैट्स सो ट्रू, सो ओके, व्हाट अबाउट गौरी नाउ, वॉज जब आपने गौरी को पहली, आपकी जो लव स्टोरी है वो फिल्मों से भी ज्यादा फेमस लव स्टोरी है, जब आपने गौरी को पहली बार देखा, डिड यू नो कि मैं सेग्रीगेटेड स्कूल से हूँ प्रीति, मैं लड़कियों से, ये सब इतना प्यार लड़कियों की तरफ, और फिर मुझे लड़कियों से शर्म आती, आई एम वेरी शाय विद, आई नो, तो मुझको ये सब जो मैं गिटार विटार की बातें कर रहा हूँ पता नहीं हो सकेगा नहीं, एक पहली ने जैसे थप्पड़ मारा तो मैं तो ये पूरा आइडिया ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद, आई एम वेरी शाय ऑफ वुमेन, मे बी दैट्स व्हाई वुमेन लाइक मी, आई एम नॉट ओवरटली कूल विद वुमेन, मुझे फ्लर्ट नहीं करना आता, मुझे बात नहीं करना था, हालांकि यू थिंक आई एम अ बिग फ्लर्ट, नो, बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई डोंट नो हाउ टू, आई थिंक यू आर वेरी चार्मिंग, मुझे पता है कि जब हमारे वर्ल्ड टूर में आई वाज योर सिक्योरिटी गार्ड इफ यू रिमेंबर, एब्सोल्युटली, कि यू यूज्ड टू कॉल मी इन द इवनिंग एंड से या प्लीज मेरे रूम में आ जा, कोई लेडीज मुझे मिलने आ रही है, मैं उनके साथ अकेला नहीं बैठना चाहता, एंड आई वाज, आई फील वेरी, दिस इज शाहरुख खान,
I don't know what to say. I keep asking people, yaar, how do you talk to a woman? क्या बोलते हैं उसको कि hey baby, मतलब मैं क्या बात करते हैं? तो मुझे नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं आता. फिल्मों में मैं कुछ हर कुछ कर सकता हूँ. So I've been very shy. मेरी कोई girlfriend नहीं थी. मैं उस लड़कियों से बात ही नहीं होती थी. मैं segregated school में था. एक मैं पार्टी पे ऐसे बैठा, वो जमाने में पार्टी होती थी, लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़के एक तरफ, देन यू गो टू द गर्ल से मे आई हैव द नेक्स्ट डांस प्लीज वाली पार्टी थी. मेरे 3 साल के पार्टी करियर में मैंने कभी किसी लड़की के पास जाके ऐसे बोला मे आई हैव द नेक्स्ट डांस विद यू प्लीज, नेवर, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट शी वोंट. सो आई नेवर हैड द करेज टू से. देन देयर वाज दिस गर्ल हु वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम यहाँ पे उसका बम था, एंड आई लाइक्ड हर. मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा. सो देन आई टोल्ड माई फ्रेंड कि यार ये लड़की जो है कौन है? तो उसने कहा मैं जाके पूछूंगा. ही डांस विद हर. And he came and told me she is waiting for her boyfriend. But I've told her, will you dance with my friend? She said, yeah, while my boyfriend comes, I'll dance with him. So I went and I danced with her. While I was dancing with her, she told me her name. She talked a lot. It's very strange. Tum Gauri ko janti ho, ab itni baat nahi karti hai wo. But she talked a lot. So, or maybe girls do talk a lot. Maine kabhi baat hi nahi ki thi. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो अच्छा है, कुछ बोलना नहीं पड़ रहा मुझे. वो गौरी थी. हाँ वो गौरी थी, वो डांस बात भी कर रही थी. सो व्हाट यू डू, मैं बात करता था उससे. वो डांस अच्छा करती थी, वो सब ब्रेक ब्रेक डांस करती थी. तो वो सब कर रही थी और फिर उसने कहा एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अपने भाई के लिए वेट कर रही थी. मैं ये बोलती हूँ कि कोई चीपड़े के साथ डांस ना करना पड़े. तो आई फेल्ट नाइस कि मैं चीपड़ा नहीं हूँ. एंड दैट्स इट. देन आई मेट हर अ कपल ऑफ टाइम्स मोर एंड देन आई सेड इससे पहले कि वो अपना माइंड बदल ले, मैं शादी कर लूँ. तो शी इज़ द फर्स्ट गर्ल आई मेट एंड बिफोर शी चेंज द माइंड आई टोल्ड हर प्लीज मैरी मी एंड देन शी कैन रिफ्यूज. उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था या वो बेचारी को खुद में पसंद नहीं था. मैं पॉजेसिव सा था. I am very possessive. I'm a Pathan. I can wring your neck for looking at someone else. So I'm like that kind of Pathan. So I don't say it, but yeah. So then she left me. Then I went back, and then I came to Mumbai. हाँ, मैंने सुना कि आप उसको ढूंढते मुंबई आ गए. और तो मुंबई में ऐसे ही आ गए, ऐसे उसने बताया भी नहीं था वो यहाँ आई है. तब तो सेलफोन्स का जमाना नहीं था. नहीं नहीं, वैसे ढूंढता रहा, सारे पैसे खत्म हो गए. पेंटैक्स का कैमरा था, वो भी बेचना पड़ गया मुझे क्रॉफर्ड मार्केट में. मैं और मेरे दो दोस्त थे, सड़कों पर घूमते रहे. फिर हमको कहा, मुझे लगा कि उसको बीच, उसको स्विमिंग बड़ी अच्छी लगती है तो बीच में होगी. तो मेरे लिए तो पिक्चर वाला बीच था, क्वींस नेकलेस. मुझे मालूम नहीं था कि मुंबई इतना बड़ा है. बांद्रा पता ही नहीं था मुझको. तो लास्ट डे था, हमको ट्रेन लेनी थी और एक सरदार जी थे, तो पंजाबी गल की उन्होंने मेरे साथ. तो मैंने कहा जी बीच है और कोई थे इधर अलावा? तो उन्होंने कहा जी बौद्ध बीच आएगा जी, इतने तो अक्सा बीच आएगा, तो गोराई बीच आएगा, तो ये बीच आएगा. मैं कहाँ है? वो जी मड आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है. सो आई सेड मेरे पास पैसे इतने हैं, आप रख लें, जहाँ आपका मीटर खत्म होगा वहाँ तक ले जाएँ. तो मैं टाउन से मड आइलैंड तक गया, फिर बीचों में घूमता रहा और फिर एक बीच में वो मिल गई मुझे. इट्स वेरी शॉकिंग लास्ट डे. एंड फिर मैं उसको देखा, शायद रोया भी, और फिर वो भी रोई. फिर उसने मुझे कहा कि तुम चलो हमारे साथ. मेरे पास पैसे नहीं है और ट्रेन भी छूट गई है, उस ट्रेन के भी पैसे नहीं है. फिर उसने हमको पैसे दिए, मेरे दोस्तों को और मुझे. मेरे दोस्त बड़े परेशान हो गए थे कि बड़ी नॉनसेंस यार, पैसे नहीं थे. एक बड़ा रिच दोस्त था मेरा आशीष, तो वो चने खा के परेशान हो गया था. और एक बेनी था, वो थोड़ा सा यू नो वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड ही वुड लाइक से थिंग्स लाइक यू नो शाहरुख आई थिंक वी शुड गो, यू नो सर्टेन थिंग्स इन लाइफ यू हैव टू रिमेंबर व्हेन टू लेट गो. आई थिंक इट्स टाइम दैट यू शुड लेट गो. सो आई सेड तुम लेट गो बैठो, मैं तो ढूंढूंगा यार. सो आई फाउंड हर एंड देन आई काइंड ऑफ टोल्ड हर दैट यू नो कर ही ले शादी यार, आई मीन इट्स काइंड ऑफ ओके, इतना ढूंढ के आया हूं. सो शी रिफ्यूज्ड इवन देन, शी वाज क्वाइट हार्टेड. फिर कुछ एक साल के बाद खुद ही आई वो एक दिन. आई थिंक माय मदर डाइड एंड शी केम बैक एंड आई थिंक शी फेल्ट सॉरी फॉर मी एंड शी सेड ओके आई विल मैरी यू नाउ. She didn't want me to be an actor. मैं बॉम्बे आ गया था तब तक, मुंबई आ गया था. Oh really? हाँ, मतलब उसको ऐसा दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ, and you know हिंदी फिल्म, I was an English theatre actor, क्या है, what is this profession, क्या करोगे, and so yeah, then she said marry me. So I said okay we'll marry. I remember मेरे producers ने ही मना किया कि शादी मत करो यार, वो तुम bachelor hero की fan following ज़्यादा होती. तो मैं कहा नहीं सर कर लेता हूँ मैं, शादी तो करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से पटाया. So then I married her and yeah now we know each other for 1984. 09-09-84. उस दिन मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था, इसलिए मुझे डेट याद है. Oh wow, yeah. I was going to say but like... I give it like a romantic. Yeah. So now 2011, yeah, about 27 years. Yeah, I've known her for 27 साल हो. Wow, that's incredible. 14 साल लड़का मेरा और 11 साल की लड़की, और दोनों बहुत खूबसूरत. I know. Okay. So what is your time with Aryan and Suhana? All the time. अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ. आज का मैं तुम्हें प्रोग्राम बताता हूँ. मैं काम कर रहा था 2 बजे, मैं डबिंग करने गया रात को, 3 बजे वापस आया, 2 घंटा मैंने फिल्म पे काम किया, 5 बज गए थे, सोने का वक्त था, 6 बजे उठकर मैंने सुहाना को हिस्ट्री पढ़ाई, 6:30 बजे आर्यन को मैथ्स पढ़ाई जिसमें वो बिल्कुल पास नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई है, 7 बजे मैंने सुहाना के साथ ब्रेकफास्ट किया, 7:40 आई ड्रॉप्ड हर टू द कार, आई डिडंट गो,
क्योंकि मुझे बहुत नींद आ गई थी। 8 बजे मैं सोया, फिर मैं अपना काम करके दोपहर को मैंने अभी लंच उनके साथ किया आने से पहले, आई विल फिनिश दिस एंड आई गो बी विद देम। रात को मैंने पिक्चर देखी प्लैनेट ऑफ द एप्स उनके साथ। वॉट एवर व्हाट टाइम आई हैव मैं किसी और के साथ नहीं बताता हूँ। मैं काम करता हूँ घर से बाहर, घर में घुसने के बाद ना मैं फ़ोन उठाता हूँ ना मैं कोई और काम करता हूँ, आई जस्ट बी विद माई किड्स। छुट्टियों पर उनके साथ रहता हूँ, सोता उनके साथ हूँ कई बार वीकेंड्स पे, खेलता उनके साथ हूँ। आई स्पेंड ऑल माई टाइम विद चिल्ड्रन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा तो दो चीज़ें होंगी, एक शायद उनको मैं कुछ चीज़ें सिखा सकूँगा, उनसे सीख सकूँगा, दूसरी बात आई थिंक द इनोसेंस दैट आई कीप लूजिंग एवरी ईयर एज अ एज आई थिंक आई गेट इट बैक। तो मेरे बच्चों से मैं मासूमियत सीखता हूँ, आई लाइक टू बी दे कडल मी दे से द सिलियस्ट थिंग्स एंड दे फील सो नाइस एंड सॉफ्ट एंड दे लव मी अनकंडीशनल। How do they react जब आपको दूसरी फिल्मों में देखते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं? Are they chilled about it with other heroines, या रोमांटिक गाना कर रहे हो, या किसी फिल्म में आप मर रहे हो, या कोई आपको मार रहा है? हाँ, आई थिंक अब बड़े हो गए हैं। कल होना हो मैंने कभी उन्हें पूरी नहीं देखनी थी बिकॉज उसमें मैं मर जाता हूँ। सो सुहाना ने नहीं देखी आज तक। करण ने एक एडिट बनाया था जिसके अंदर मरने से पहले ही पिक्चर खत्म हो जाती है। Oh, really? Yeah. And, so, वो सीन नहीं दिखा था उन्होंने, बट दे आर वेरी चिल, दे आर नॉट माई फैंस। आई मेड इट वेरी क्लियर कि मेरे बच्चे मेरे फैन नहीं होंगे, मतलब घर में फैन नहीं चाहिए मुझको। आई नीड पीपल हु बिलीव दैट आई एम अ बेटर फादर देन अ बेटर मूवी स्टार, एंड वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पापा की पिक्चर है, पापा की पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, पापा की पिक्चर देखनी है, देखी देखी नहीं देखी नहीं देखी। कल आज सुबह मैं सुहाना को पढ़ा रहा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कोर्ट यार्ड होते थे, तो कोर्ट यार्ड ऐसे होते हैं, तो सुहाना वो पहेली के अंदर जैसे था ना घर, तो कोर्ट यार्ड था वहाँ पे, वेल था बीच में, ऐसा था। फिर मैंने उसको बताया कि वहाँ पे जो है बेडरूम ऊपर होता, जैसे पहेली के अंदर, तो बड़ी स्वीट, पापा मैंने पहेली देखी नहीं है। सो उसे नहीं देखी है, उसे नो पापा आई डेंट लाइक इट सो आई डेंट सी इट। सो माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू टेल मी कि मेरी पिक्चर पसंद इतनी नहीं आई कि वो देखने भी नहीं गए। देखी देखी नहीं देखी नहीं देखी। मैं कुछ मैच्योर नहीं हूँ, मैं कुछ दस एक बारी आपने बोला, दूसरी बारी बोला, तीसरी बारी बोला, चौथे बारी थप्पड़ मार दूंगा मैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। वो दिन है और आज का दिन मैं अभी तक सिल्वर के टब में ही नहाता हूं, सिल्वर के टब में ही नहाता हूं, लड़कियां मुझे नहलाती। व्हाट अबाउट नेगेटिविटी, यू नो, नेगेटिविटी इन द प्रेस, कोई कुछ बुरा बोले, कोई कुछ, हाउ? आई नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी आप में, एंड आई थिंक, आई मीन, आफ्टर बीइंग इतने साल इन द इंडस्ट्री, बट हाउ डू यू कीप इट अवे फ्रॉम द फैमिली? बच्चे रिएक्ट करेंगे, अब बच्चे पढ़ेंगे, कोई रूमर्स है, कोई कुछ लिखे, यू नो। अब मुझे थोड़ा सा दुख होने लगा है। पहले ठीक था, मैं कुछ मैच्योर नहीं हूँ, मैं कुछ दस एक बारी आपने बोला, दूसरी बारी बोला, तीसरी बारी बोला, चौथे बारी थप्पड़ मार दूंगा मैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। मैं कई बार लिखा, ये डायरेक्टर को शाहरुख ने निकाल, अरे कहाँ निकाल दिया यार, मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ यार, 200 करोड़ की पिक्चर बना रहा हूँ यार, कुछ तो समझो यार। डोंट डिमीन माई डायरेक्टर। करण जौहर अगर मेरे सेट पर शॉट देने के लिए आया है, तरुण मनसुखानी अगर मुझसे प्यार करके हेल्प करने असिस्टेंट आया है, तो ये मत बोलो कि बेचारे अनुभव ने फिल्म नहीं बनाई है। 5 साल अपनी ज़िंदगी के डाल दिए उसने यार। I find that odd, but I can't help it. I think my family understands, my wife does, my children do, and I guess I just have to live with it. Then, when I can't live with it, then I'll go and beat up someone. People कहते हैं कि this person was born with a silver spoon. हमने सुना है that you were born with a silver tub. Is that true? मतलब सिल्वर से भी ज्यादा ही होगा, कुछ गोल्ड प्लैटिनम टाइप ही है मतलब। कि आपके लिए एक सिल्वर टब लाया गया था जब आप छोटे थे? जब मैं छोटा था, हाँ, जब, क्योंकि मैं पहला लड़का था हमारी माँ की साइड की फैमिली में। माय मदर हैज 3 मोर सिस्टर्स, तो 4 बहनें थी। आई थिंक उनके भी जो बहनों के जो बच्चे हुए, पहले जो बच्चे थी मेरी बहन है, लाला लड़की थी। सो पूरी फैमिली में मैं तकरीबन पहला लड़का था। सो आई थिंक बहुत सेलिब्रेशन की बात थी कि लड़का हुआ है, तो सारी जो मेरी मासियाँ हैं, आंटीज हैं, जितनी भी औरतें हैं, Maybe that's why I love women so much. I've only been surrounded by women. So, उन्होंने मुझे, मेरे लिए सिल्वर का टब बनाया गया था नहलाने के लिए, और वो दिन है और आज का दिन है। मैं अभी तक सिल्वर के टब में ही नहाता हूँ, सिल्वर के टब में ही नहाता हूँ, लड़कियाँ मुझे नहलाती। So, on the silver tub, I have an AV just for you. Okay. That's how old are you here?
I don't know, maybe a year or something. That's Lala, my sister. That's me, with my cousin, sister, my grandfather. ये मैं राधा रमन जी के घर में दिवाली की पार्टी पे हूँ। शाहरुख, that's very funny. यानी मुझे किसी ने परसों बोला कि मैं प्रिंस की तरह लगता था, the singer. This is also very funny. कुछ 12वीं पास के हो या 10वीं पास के बाद. These are my best friends. That's you and Gauri. Yeah, आर्यन ने ये फोटो देखी तो बोला गौरी की मूंछ मुझसे ज्यादा है. Gauri will kill me for saying this. I know. यहाँ पे हम दोनों शेव करने के बाद. Oh, this is my favorite photo. ऐसा दिखा रहे हैं या सब इतना प्यार करते नहीं तीनों मुझे? ये कौन सी फिल्म के सेट पे? ये है कभी खुशी कभी गम, लंदन में काजल और मेरा जो घर था. This was World Cup, I think, T20, South Africa. क्या बात है? The people tell me I look like Michael Jackson. I like his voice. There's a strange peculiarness to it. उसने कहा कि ये कौन गा रहा है? तो इसे तुम नहीं गा रहे हो, कोई और गाएगा. इसे मैं गाऊं? मैं कहा नहीं, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, तो इसे मैं गा सकता हूँ. First of all, I want to know, picture का नाम आर्यवन है या रावण है? Actually, जब हमने फिल्म शुरू की थी तो रावण नाम था, क्योंकि रावण स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी कभी फाइल का नाम या प्रोग्राम का नाम ऐसे रैंडम एक्सेस वर्जन 1 लिखते हैं, तो वी लिखते हैं, कभी ONE लिख देते हैं. एंड वी जस्ट थॉट कि अगर ऐसा लिखा हो, और फिर मिथोलॉजिकली रावण इज कंसिडर्ड एन ईविल पर्सन, बुरा आदमी है, सो वो जो प्रोग्राम है रावण, वो बुरा हो जाता है. सो आदमियों को, सबको समझ आए. आई थॉट इट वाज वेरी स्मार्ट. और जो अच्छा कैरेक्टर था वो गुड वन था, तो उसको हम लिखते जीवन. एंड जीवन ऑल्सो स्टैंड फॉर लाइफ. सो जीवन जिंदगी है और रावण जो है डेथ एंड ईविल है. जीवन इज यू विच इज द सुपर हीरो, क्योंकि जब मैंने आपका पहले पोस्टर देखा तो इट सेड इंट्रोड्यूसिंग जीवन. जीवन इन रावण. इन रावण. इन रावण. So why did you think of making a movie like this? Two questions I have together, I'm going to ask. क्यों आपने सोचे ये फिल्म बनानी? और शाहरुख खान is known as the king, he's known as the बादशाह. Only he can make a 100 crore plus 100 crore. हाँ, I think picture. मेरे हिसाब से अभी मुझे मालूम पड़ गया है, क्योंकि फिल्म रिलीज पे है, तो मेरे अकाउंटेंट्स मुझे बता कर जा चुके हैं कि मैं ब्रोक हूँ और ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है. और जैसा मैंने कहा, बड़ा नहीं किया तो क्या किया. सो अगर ये अच्छी होगी तो आई थिंक ये एक नया लैंडमार्क होगी सबके लिए, हम सबके लिए. मुझे ऐसा लगता है प्रीति कि मैं 20 साल से यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर खाया है, यहाँ पर कमाया है. मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ फिल्मों की वजह से हूँ, सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूँ. 20 साल पहले यहाँ पर 1500 रुपये के साथ मैं आया, मेरे पास आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउसेज है, इतने खूबसूरत दोस्त हैं, फैमिली है, ऑफिस है, मैं फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ, इंडिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला, सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और इतना सब कुछ मिला है, तो मैंने क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा करियर ख़त्म हो, जो 150 साल बाद होगा 100%, जब मेरा करियर ख़त्म हो, तो मैं कहीं ना कहीं पर ऐसी कोई चीज़ छोड़ के जाऊँ कि लोग ये ना बोलें, अरे इसने पहला नेगेटिव रोल किया था वो तो मैंने किया था एज एन एक्टर, अरे इसने डांस बड़ा अच्छा किया था वो तो मैंने किया था, इसने तो रोमांस बड़ा अच्छा करता है वो तो मैंने किया था, अपने लिए किया था. अरे यार, यू नो द VFX और स्पेशल इफेक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी दैट केम इन टू इंडिया, वो एक एक्टर हुआ करता था यार, शाहरुख ऐसा बोल रहे नाम अजीब था, उसने किया यार, वो ना अपना आर्यन, वर्ल्ड फेमस आर्यन, उसका बाप, तो उसके उसने कुछ ये चीज़ लाया था इंडिया में पहली बार. अबे नहीं यार, आई वॉन्ट टू लीव समथिंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ बियॉन्ड फिल्म्स, विच टेक्स आवर फिल्म्स वर्ल्ड वाइड. मेरे कंट्रोल में टेक्नोलॉजी है. That was one reason I made Ravan. क्योंकि मैं अपने दोस्तों के पास जाता था, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं मेरे दोस्त, लेकिन लल्लू से हैं सब यार, यार ये पिक्चर बनाओ. नहीं भाई, हम थोड़ी रोमांटिक पिक्चर बनाए. मैं करण प्लीज़ बना ले, आई डोंट नो एनीथिंग एक्शन, आदि तू बना ले, आई वॉन्ट टू मेक अ यू नो रोमांटिक फिल्म. अरे यार, लेट्स गो अहेड एंड रूल द वर्ल्ड, लेट्स मेक अ फिल्म सो ब्यूटिफुल कि जब लंदन में इंडियन लड़का, अमेरिका में गुजराती लड़की जब देखती है वो फिल्म, तो उसको अपने दोस्तों को कहने में प्राइड हो, ये ना इंडिया में बनी. It's as good as Spider-Man. So we should be able to do it. Second reason was, मेरे बच्चे ऐसा सोचते हैं मैं लव स्टोरी वगैरह करता था. थोड़ा सा पद्दू हूँ मैं, नो कद्दू टाइप हूँ मैं, कि पापा वैसे ही कर रहा हूँ मैं, तेरे को ही प्यार कर रहा हूँ, ये कल हो ना हो, ऐसा सब करता रहा. तो मैंने थोड़ा सिक्स पैक, कुछ बॉडी वॉडी बना, थोड़ा माचो हो जाऊँ बिफोर माई चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ऐसा पैटसी सा हूँ. सो उनको अच्छी लगती हैं ऐसी फिल्में, मेरे बेटे और मेरी बेटी को,
तो मैंने कहा कूल सा कुछ टाइट्स वाइट्स पहन के, मैं क्रिश से बहुत प्रभावित हूँ, द्रोना से बहुत प्रभावित हूँ, जो जो फिल्में ऐसी बनी हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सुपर हीरो, आई वॉन्ट टू बी बैटमैन, आई वॉन्ट टू बी सुपरमैन। व्हेन आई वाज यंग मैं ऐसे तोलिया बांध के रेड अंडरवेयर पहन के छलांग मारता था अपने तख्त से, तो मुझे ऐसा लगा मैं सुपरमैन हूँ। आई गॉट अ चांस, मे बी लिटिल लेट आई स्टार्टेड, क्योंकि जो एक्शन है शायद मैं बेहतर कर सकता था क्योंकि अब चोटें बहुत लग गई हैं, बट स्टिल आई हैव गिवन इट माई बेस्ट शॉट एंड आई वॉन्ट पीपल टू माई किड्स टू लव मी एंड थिंक आई एम रोमांटिकली नाइस, आई एम स्वीट एज एन एक्टर एंड आई एम फैंटास्टिक एज अ सुपर हीरो एंड एम अ वंडरफुल फादर। सो आई वॉन्ट देम टू थिंक ऑफ मी लाइक दैट कि डूड माई डैड कैन फ्लाई अ हायर बिल्डिंग देन एनीवन एल्स कैन। सो आई डिड फॉर माय चिल्ड्रन। तो ये फिल्म आपने अपने बच्चों के लिए बनाई? अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरों की माओं के लिए, क्योंकि औरतों को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, और उनके बापों के लिए। मैंने फैमिली फिल्म बनाई है। एक्चुअली इतना वक्त इससे लगा है क्योंकि मैंने इसको एक होलसम एंटरटेनमेंट बनाई है। गाना भी है, कॉमेडी बहुत है, डांस है, और जब एक्शन आएगा होपफुली लोग कहेंगे कि उसमें क्लीनलीनेस है। मैं ही नहीं कह रहा कि सबसे बड़ा एक्शन है हिंदुस्तान का, लेकिन उसमें क्लीन है और हमने बनाया अपने घर में। मेरी एक बहुत तमन्ना है कि ये फिल्म देखकर लोग, यार ये पिक्चर कहाँ बनी? अंधेरी में बनी। बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया है, लंदन में भी शूट किया है, लेकिन जो इसका मेन तत्व है, जो VFX है, वो हिंदुस्तानी कंपनियों ने किया है, यहीं पर किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी की जो VFX कंपनी है, हम लोग सबकी तारे निकालते रहते हैं, हैरी पॉटर के खुश होते हैं, लेकिन हम क्रिएटिवली कोई नई चीज़ नहीं करते। आई वॉन्ट ऑल द यंग डायरेक्टर्स, आई वॉन्ट करण, आई वॉन्ट इम्तियाज अली, आई वॉन्ट संजय बंसाली, आई वॉन्ट फरहान अख्तर, आई वॉन्ट आदि चोपड़ा, सम ऑफ द नेम्स आई एम नॉट टेकिंग, दीज वंडरफुल डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम टू गेट टुगेदर एंड से दिस इज एक्सेसिबल, लेट अस मेक अ फिल्म लुक इंटरनेशनल। मुझे विल स्मिथ ने एक बार बोला था कि मैं दो फिल्में करता हूँ दोस्त, एक फिल्म ऐसी करता हूँ जो मेरे दिल को भाती है एज एन एक्टर, दूसरी ऐसे करता हूँ अपने से बड़े सुपरस्टार के साथ। सो आई से हूज अ बिगर सुपरस्टार देन यू? सो आई सेड VFX. So you should do films like that. You should. I wanted to open. I want every hero to be a superhero. It'll just set a new genre in. नहीं तो मोहब्बत का genre बहुत अच्छा है, action का genre बहुत अच्छा है. We should get into this larger than life cinema. Otherwise, हमारी जवान पीढ़ी जो है, वो हमारी फिल्में देखना छोड़ देगी. क्योंकि इतना access है हमारे को अब international films का कि वो कहेंगे यार ये नहीं, हमको तो Spider-Man देखनी है, हमको तो वो man देखनी है. I think you should see films. Our superheroes should come in. We have such a great mythology. We have such stories to tell. चांद, तारे, सब जगह जा सकते हैं, बट थोड़ा क्लीन और अच्छा जाए तो इट कैन बी सुपर। एक और जो कि एक वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल सिंगर है, वो आप इस फिल्म में लाए, और वो भी उसने हिंदी में गाया और क्या पंजाबी में गाया, हिंदी पंजाबी में गाया उसने। तो हाउ डिड एकॉन, द आइडिया ऑफ एकॉन कम टू प्ले दिस? मुझे क्या, अब जैसे मेरे बच्चे जवान हैं तो वो गाने सुनते हैं, मैं म्यूजिकली थोड़ा इंक्लाइन नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा हम भी पॉपुलर म्यूजिक लेकर आएँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, हमने स्टैंड बाय मी गाना लिया है जो मेरा फेवरेट गाना है, आई मेड म्यूजिक आउट ऑफ इट। आई वांट द यंगस्टर्स टू लाइक दिस फिल्म एंड एकॉन बड़ा पॉप, मुझे उसका गाना बड़ा अच्छा लगता था, यू ब्यूटिफुल और आई फाइंड वेरी कूल, स्मैक दैट ऑन द फ्लोर, आई लाइक हिज वॉइस, आई लाइक हिज वॉइस, स्ट्रेंज पिक्यूलियरनेस टू इट। तो मैं उसको न्यूयॉर्क में मिला, मैं कहा तुम्हारे पिक्चर में गाना गा दो एज अ सिंगर, ना कंपोज करो ना प्रोड्यूस करो, सिर्फ गाओ एज अ सिंगर जैसे गाते हैं। तो ही एग्री, ही केम डाउन और उसने गाना गाया। फिर मेरे पास एक और गाना था तो जो हम पंजाबी में था, तो वी वर डिसाइडिंग बाद में करेंगे, तो हमने उसको सुनाया, उसने कहा कि ये कौन गा रहा है? तो इसे तुम नहीं गा रहे हो, कोई और गाएगा। इसे मैं गाऊँ? मैं कहा नहीं, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, तो इसे मैं गा सकता हूँ। एक्चुअली एक कौन 15-20 भाषाओं में गाना गाता है, अलग अलग भाषाओं में उसने गाया हुआ है, और तो इसे मैं गा दूंगा। तो हमने कहा सीख लो, ही वॉज ए फॉर 3 days, वो एक दिन में उसने दोनों गाने गा दिए। एंड हिंदी में उसको आई थिंक विशाल शेखर ने बैठ के गाया पहले, उसको अंग्रेजी में लिख कर दिया, और 2-2.5 घंटे के अंदर उसने एक एक लाइन पढ़ के पूरा गाना गा दिया। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द नाइस, चमक चलो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स, इट्स रियली रियली नाइस। उसको पता था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड व्हाट अ ह्यूज गॉड यू आर इन इंडिया? डिड ही नो दैट, और डिड ही जस्ट थिंक दैट? नो, दैट आई थिंक एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज that really is IPL ke liye aaya tha, I think in South Africa. It's a no brainer. Bachcha bachcha duniya mein jab paida hota hai 50 course dur dur se maloom hota hai Shahrukh Khan kaun hai. Acha paida hota hai, ye kaun ne bola Shahrukh Khan. Okay, so this Diwali kafi firecrackers hone wale hain theater mein. Inshallah, I hope it does well. Yes, I'm sure I hope people like it more than doing well. Yes, yeah, I think people are going to love it. I think as Indians people are also going to feel proud. Mera bahut humble sa ye offering hai ki जब ये मैं अभी एक लड़के से मिला तो
तो वो ऐसा बात कर रहा था लंदन के अंदर कि ना मेरे दोस्त जाते हैं बट यू नो इट वाज जस्ट अ फैडी थिंग टू सी बॉलीवुड इट्स जस्ट किच. हमारा एक तबका है जो बात करता रहता है कि हमारी जो हिंदी फिल्में हैं बड़ी बट देयर इज अ होल सेट ऑफ थर्ड सेकंड जनरेशन इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हु फील अ लिटिल ऑड अबाउट इंडियन फिल्म्स. यू नो वी हैव सॉन्ग्स यू नो वी जस्ट ब्रेक इनटू अ डांस. माय होल लॉजिक इज यस वी ब्रेक इनटू अ डांस यस वी सिंग एंड यस वी डू व्हाटएवर वी नीड टू डू इन अ हिंदी फिल्म बट इट इज एज वंडरफुल एज अ कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म. इफ वी कैन मेक फिल्म्स जो सारी दुनिया देखे सो आई थिंक वी कैन वेरी इजली टेक ओवर हॉलीवुड. माय होल लॉजिक इज दिस कि व्हाई शुड वी गो टू हॉलीवुड लेट देम कम हियर. क्या आप भी लाइफ से थक चुके हैं, घंटों तक चलने वाली मीटिंग से पक चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे बार बार यही पूछती है कि क्या वो प्रीति जिंटा से ज्यादा प्रीटी है? Not only are you king of movies, you're king of all ads also. तो I have decided कि आप प्लीज इस रिमोट पे एक एड बनाएं. इसको एक पहले नाम देना पड़ेगा. एक्चुअली मैं सिर्फ डिश टीवी और वीडियोकॉन का नाम देता हूँ लेकिन इसके लिए कॉमन अलग सा नाम निकालो. छू मंत्र रिमोट बोलते हैं इसको. छू मंत्र रिमोट. और ये रिमोट जो है टीवी या वीडियो के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है. ओके तो वो रात को आपने वो एड्स देखे हैं जैसे आती है टीवी पे? रात को मैं कुछ और करता हूँ ज्यादा इंटरेस्टिंग बट मैं समझता हूँ तुम कौन से एड्स की बात कर रही हो. ओके सो शुड वी डू इट इन दैट वाइब? यस लेट्स ट्राई. तुम इधर आ जाओ. मैं इधर. ओके तुम साथ देती रहना मेरा. हाँ जी. ऑलराइट ये है छू मंत्र रिमोट. क्या आप भी लाइफ से थक चुके हैं, घंटों तक चलने वाली मीटिंग से पक चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे बार बार यही पूछती है कि क्या वो प्रीति जिंटा से ज्यादा प्रीटी है? हाँ भाई हाँ. तो आपको चाहिए छू मंत्र रिमोट. ब्लू बटन दबाओ खड़ूस बॉस गायब, पिंक बटन दबाओ बोरिंग गर्लफ्रेंड गायब, ग्रीन बटन दबाओ सब वही के वही लेकिन आप गायब. अरे वाह महंगा होगा. अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 420 रुपए में. लेकिन सावधान, कृपया इस रेड बटन को मत दबाइएगा, इसको दबाने से सारा सर्किट रिवर्स हो जाएगा और आपकी ट्रिक आप पर ही चल जाएगी. तो देर किस बात की है, छू मंत्र रिमोट ऑर्डर करने के लिए अभी अभी डायल कीजिए 000000000000 और एक और शून्य. छू मंत्र रिमोट ऐसी चांस मार रहा हूं. येलो बटन दबाने से लड़की ऐसे मिलती. ओह माय गॉड दैट वाज फनी. ये कहां से बनाया आपने ये छू मंत्र रिमोट? ये मेरा लड़कियों को पटाने का बहुत पुराना स्टाइल है. ओह रियली? ऐसे लड़कियों को ले जाके सोफे पे बिठा के ऐसे छू मंत्र रिमोट दिखाकर फिर मैं उन्हें किस करता हूं. ऑलराइट सो बिफोर वी कम, ये देखिए आपके लिए मैं क्या लाई हूं. दिस इज द पोस्टर जो कि हमने शूट किया. लव इज ब्लॉन्ड. क्या नाम था इस फिल्म का? लव इज ब्लॉन्ड. लव इज ब्लॉन्ड. थैंक यू. वेल थैंक यू शाहरुख, थैंक यू सो मच. एंड क्योंकि आपने मेरे साथ इतना माइंड ब्लोइंग पोस्टर बनाया है, आई हैव समथिंग फॉर यू. ओह थैंक यू. यस सर, शो शो यू. आ जाओ ऊपर, आ जाओ. Ron. Later on. तुम्हारे और मेरे बीच में ये कौन रॉन आ गई? टिंग. थैंक यू वेरी मच. दिस हैज बीन रियली फन एंड थैंक यू वेरी मच. आई गेट गिफ्ट्स आल्सो? यस यू गेट गिफ्ट्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. नो नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. आई मीन डोंट थैंक मी एट ऑल. दिस हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स. आई एब्सोल्युटली लव यू. एंड बिफोर वी फिनिश वी हैव अ लिटिल डांस फॉर यू. मेरे गिफ्ट बाद में ले सकता हूं ना मैं? हां. Look, I've got a pretty show. जहाँ पे होनी मस्ती on the go. Wicked लेके secret सारे आएंगे तारे वो. Dog पे dog हम छेड़ेंगे, bubbles से पंगे ले. Branch पे branch हम जोड़ेंगे, tell me can you handle it? Yeah. Look, I've got a pretty show. जहाँ पे होनी मस्ती on the go. Wicked लेके secret सारे. You get it on the
ये सब जो मैं गिटार विटार की बातें कर रहा हूँ पता नहीं हो सकेगा नहीं। एक पहली ने जैसे थप्पड़ मारा तो मैं तो ये पूरा आइडिया ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद। आई एम वेरी शाई ऑफ वुमन। देन देयर वाज दिस गर्ल हु वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम यहाँ पे उसका बम था एंड आई लाइक हर। मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा। उसको पता था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड व्हाट अ ह्यूज गॉड यू आर इन इंडिया? डिड ही नो दैट? नो दैट आई थिंक एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज। बच्चा बच्चा दुनिया में जब पैदा होता है 50 कोस दूर से मालूम होता है शाहरुख खान कौन है। अच्छा पैदा हो तो ये कौन ने बोला शाहरुख खान। ओके बड़े बड़े डायरेक्टर हैं मेरे दोस्त, लेकिन लल्लू से हैं सब यार। तो यार ये पिक्चर बनाओ। नहीं भाई हम थोड़ी रोमांटिक पिक्चर बनाए। मैं करण प्लीज बना ले, आई डोंट नो एनीथिंग एक्शन। आदि तू बना ले, आई वांट टू मेक अ यू नो रोमांटिक फिल्म। अरे यार